हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? देखिए जीवा है, जीवा हाई कीजिए, हाई कीजिए उनका, हाई 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 है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं रांची, गाड़ी आ रहा है और पूरा फैमिली हम लोग जा रहे हैं रांची। अभी कुछ देर ही में गाड़ी आने वाला है और हम लोग रांची निकलने वाले हैं। हम डोडो रीवा जीवा और जीवा की मम्मा और जीवा की नानी और जीवा की नानू। सो आज हम लोग का ब्लॉग रांची स्पेशल, रांची टूर स्पेशल रहेगा। सो हम लोग देखिए, हम लोग डोडो रीवा जीवा और फैमिली के साथ। डोडो हाय कीजिए, रीवा जीवा, रीवा कहाँ है, रीवा हाय कीजिए। सो हम लोग फाइनली अब निकल चुके हैं रांची के लिए और मेट्रो सीगंज छोड़ चुके हैं। गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट का ज़रूर ध्यान रखें और सीट बेल्ट पहन के ही चलाएं गाड़ी। डोडो रीवा मज़ा आ रहा है? अरे रांची जाके क्या खाना है बेटा? क्या खाना? समोसा। समोसा खाना है? खाना। क्या चीज़ खाना है? क्या चीज़ खाना है? लड्डू खाना है। अरे समोसा। अरे रीवा को क्या खाना है? अरे इसको काट के तू। अरे जीवा को क्या खाना है? मतलब पहले पिज्जा। आपको पिज्जा, आपको पिज्जा खाना है। अब छोड़ चुके हैं और चामा क्रॉस कर चुके हैं। अब हम लोग बीजू पारा पहुँचने वाले हैं और हम लोग 15 से आधा घंटा के अंदर रांची पहुंच जाएंगे। देखिए रीवा क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं रीवा, क्या बोल रहे हैं? आप तो लड्डू पेड़ा खाइएगा, हमको क्या खिलाइएगा? सब कुछ खिलाइएगा, ठीक है सर। ये जो गाड़ी है ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो है, हम ये मेरा नहीं है, ये भाड़ा पे लेके जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ मस्ती। बच्चे लोग बहुत काफ़ी मस्ती कर रहे हैं गाड़ी पे, क्योंकि काफ़ी समय के बाद हम लोग इस तरह का टूर पे कहीं जा रहे हैं कुछ काम से, और बच्चों के साथ जाएंगे, घूमेंगे थोड़ा सा, थोड़ा कुछ होटल में कुछ खाएंगे, रेस्टोरेंट में, और उसके बाद घूम के रांची से फिर वापस आएँगे। काफ़ी समय, काफ़ी लंबे समय के बाद मुझे टाइम मिला है तो मुझे रांची घूमने जा रहा हूँ। देखिए काफ़ी बिजी रोड है और काफ़ी लोग तेज से चलाते हैं गाड़ी, गाड़ी रास्ता अच्छा होने के कारण काफ़ी रफ्तार से लोग गाड़ी चलाते हैं। डोडो रीवा को काफ़ी मज़ा आ रहा है ना बेटा? तू मज़ा कर रहा है? एक बार बोलिए, डोडो बोलिए, बैठे हुए हैं।
बच्चे मस्ती कर रहे हैं, बच्चों को काफ़ी मजा आ रहा है। और हम जब भी रांची जाते थे तो इससे पहले बाइक से जाते जाया करते थे, आज को मिनट से जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे गाड़ी चलाना नहीं पड़ रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं बाइक से ही हमेशा सफ़र करता हूँ। बाइक चलाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, पर आज से बैठने के लिए मौका मिला है तो अच्छा लग रहा है। बाहर नहीं निकालते बेटा, गाड़ी के बाहर ना सर नहीं निकालते, ठीक है? इन लोग को बीच में बताएं, हाथ भी मत निकालिए बेटा, बीच में आके बैठिए बेटा, ठीक है? वैसे नहीं निकालते, बाइक खोलिए बेटा, हाथ खोल के ऐसे करेंगे। ₹1500 का डीजल डाल दीजिएगा। 1505 के डालिए, 1501 डालिए ना, है क्या खुला? ₹5 होगा। अच्छा 1505 का डालिए, लीजिए। देखिए पिताजी सर 1500। तो हम लोग भी गाड़ी पेट्रोल लेने के लिए ठहरे हुए हैं, तेल लिया हुआ हो गया और हम लोग अब निकल पड़े हैं। हम लोग अब बीजू पाड़ा पहुंचने वाले हैं रांची रोड। जैसा कि देख रहे हैं आप, हम सीट बेल्ट लगाए हुए हैं और जब भी बात सुरक्षा की हो, सुरक्षा के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ, सड़क नियम का मैं पालन करता हूँ और जो हो सके बन सके मैं वो उस चीज़ को फॉलो करता हूँ। तो सुरक्षा और नियम में तो मैं हमेशा पालन करने वाला इंसान हूँ। देखिए अब हम लोग पहुँचने वाले हैं बीजू पाड़ा चौक। भोला स्वीट्स काफ़ी फेमस मिठाई दुकान है ये, भोला स्वीट्स। और काफ़ी बढ़िया है, देखिए हम लोग अब रांची रोड में चढ़ चुके हैं रांची के लिए। देखिए किस तरह से धान का खेत लहरा रहा है झारखंड में, और इस बार मौसम बिल्कुल स्टार्टिंग में शुरुआत में अच्छा नहीं था, पर लास्ट में पानी अच्छा हो जाने के कारण खेती में रौनक आ चुका है और देखिए किस तरह से हरियाली खेतों में आ चुका है। झारखंड की सुंदरता हरियाली से ही है, झारखंड का मतलब ही है झाड़ और खंडर, ये चीज़ ज़्यादा झारखंड में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो झारखंड वाकई में काफ़ी सुंदर है, देखिए विद्यालय कॉलेज स्कूल पुराने समय का है, ये सब बनाया हुआ काफ़ी पुराना है ये जगह। आप ये रोड देखें, ऐसे तो धान सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में होता है, धान का कटोरा भी छत्तीसगढ़ को बोलते हैं। सबसे ज़्यादा खेती धान का मतलब पूरे भारत में सबसे ज़्यादा धान का खेती छत्तीसगढ़ में होता है, इसके बाद आपका झारखंड हो गया। पर यहाँ पे सिर्फ सीजनली मौसम के हिसाब से ही खेती होता है। हम लोग अभी टोल नाका में रुके हुए हैं, कर लिया इसके लिए क्या जी? इनकम टैक्स है क्या जी? ये है रोड का टैक्स है, इनकम टैक्स अलग हो गया, रोड टैक्स अलग हो गया, रोड मतलब इनकम टैक्स हो गया, आपका इनकम से टैक्स लेगा, और गाड़ी चल रहा है रोड में तो रोड टैक्स हो गया ये आपका। मतलब
देखिए रीवा किस तरह से बैठी हुई है, क्या सोच रही है रीवा। रीवा की मम्मा देखिए कैसी, रीवा खाली मम्मा के पास ही रहती है। तो हम लोग फाइनली रांची पहुंच चुके हैं और देखिए हमारे पीछे रेस्टोरेंट आप देख रहे होंगे, एक से एक दुकान, काफ़ी पहले से काफ़ी सुंदर हो गया रांची। अब बड़ा बड़ा मॉल, बड़ा बड़ा हॉल, बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट, बहुत चौड़ा चौड़ा रूम सब चीज़ हो चुका है और काफ़ी सारे दुकान तो नहीं, कपड़ा का शॉपिंग करने के लिए 200 किलोमीटर 200-150 किलोमीटर के रांची के चारों ओर से लोग आते हैं रांची में ही, क्योंकि रांची झारखंड का राजधानी है, वो राजधानी होने से लोगों का सारा काम काज रांची से ही होता है। इसकी वजह से सबको सबका आना जाना रांची से ही लगा हुआ रहता है और रांची से ही सारा शॉपिंग या कुछ भी हो या हॉस्पिटल या अच्छा हॉस्पिटल हो तो रांची के लिए ही लोग आते हैं। दिक्कत घुसने नहीं है, मेन है गलिया की वजह से थोड़ा आपको दिक्कत है। देखिए झारखंड का ब्रिज, फ्लाईओवर ब्रिज उसका काम काफ़ी दिनों से चल रहा था पर एक साल पहले ही फाइनल होके ये कंप्लीट हुआ है। झारखंड इतना सुंदर और बड़ा नहीं था आज से 10 से 15 साल पहले। झारखंड 2001 15 नवंबर को बिहार से अलग होने के बाद झारखंड में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस और प्रगति हुआ है और काफ़ी विकास हो गया है। झारखंड में बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, मॉल, रेस्टोरेंट, बहुत गांव के लोग बहुत सारे अब रांची में ज़मीन लेके लोग बन चुके हैं और काफ़ी बड़ा होने के कारण अब यहाँ पे लोग काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और सबसे बड़ा फेमस होने का रांची का कारण है महेंद्र सिंह धोनी, जो इंडिया का कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी जिन्हें कहते हैं। तो इंडिया के महेंद्र सिंह धोनी का टाउन हाउस आपका रांची में ही है। तो सबसे लोग पहले कभी कोई बाहर भी जाता तो लोग पूछते थे रांची कहाँ है, कहाँ है रांची, कहाँ है, तो लोग सोचते थे बिहारी है, पर सबसे जब से धोनी क्रिकेट टीम में इंडिया में शामिल हुए तब से लोग रांची को जानने लगे और तब से लोगों को पता चला कि बिहार और झारखंड दोनों अलग हैं। या सब लोग पहले झारखंडी लोग को भी लोग पहले बिहारी ही बोलते थे या बिहारी ही समझते थे। तो झारखंड 2001 में अलग हुआ है बिहार से, इससे पहले से ही लोग सब समझता है कि बिहारी है लोग। कांवड़े मंदिर पीछे में आप देख रहे होंगे, छोटा सा मंदिर है पर बहुत ही प्रचलित मंदिर है। झारखंड की शान कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी का घर इसी रिंग रोड में है। इससे पहले ये महेंद्र सिंह धोनी हरमू के एक SBI बैंक के पास उनका घर था, जो मुझे लगता है 20 डिसमिल के आसपास में बना हुआ था, पर रिंग रोड के पास धोनी ने 7 एकड़ के करीब ज़मीन यहाँ पे खरीद के एक फार्म हाउस बनाए। ये देखिए जो बड़ा गेट दिख रहा है आपको, यही महेंद्र सिंह का धोनी का घर है और पीछे काफ़ी लंबा चौड़ा में फैला हुआ है और इसके अंदर बहुत सारा बाइक रखने का और अपना ग्राउंड टाइप का बहुत सारे स्टेशन बनाए हुए हैं। काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा है, तो लोग यहाँ पर दूर दूर से लोग देखने आते हैं। सब सो गई है गाड़ी में, तीनों बच्चे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी जब इंडिया टीम के क्रिकेट के कैप्टन बने थे उन्होंने पहला घर अपना इसी हरमू रोड में बनाया था। मैं आपको दिखाना चाहता हूं उनका पहला घर, हमारे हाथ के सामने आप देखिए ये उनका पहला घर है।
इसके बगल देखिए ये SBI बैंक है, जो शीशा वाला लगा हुआ SBI बैंक है। उसके बगल में ये जो आपका मिट्टी कलर का जैसा दिख रहा है वही है उनका पहला घर है। वो 20 से 30 मिनट के आसपास में फैला हुआ है और काफ़ी लंबा चौड़ा अच्छा है घर, सुंदर काफ़ी सुंदर पर उनका ये पहला घर। इसके बाद फिर रिंग रोड पर ज़मीन लेने के बाद उन्होंने रिंग रोड में अपना घर बनाया और वहाँ पर शिफ्ट किया। लगभग वो रिंग रोड वाले घर को बनाने में 3.5 साल का समय लगा और काफ़ी बड़ा काफ़ी अच्छा है। अपने फैमिली पूरा परिवार के साथ अपनी वाइफ जीवा और महसी धोनी और उनके माता पिता उनके साथ ही रहते हैं उसी घर में, फार्म हाउस वाले घर में। और एक महेंद्र सिंह धोनी के बड़े भाई हैं जिनका नाम है नरेंद्र सिंह धोनी, जो शायद उन्हें मूवी में भी नहीं दिखाया गया है पर वो लोकल न्यूज़ झारखंड के न्यूज़ में आते रहते हैं। वो जो सामने बिल्डिंग वा देख रहे रीता अदीला बोला अदीला दोनों बूढ़ा बूढ़ी क्या करता था ना, खाली सब्जी बेचता था ये जगह और इतना बड़का बिल्डिंग बना दिया है। वो जो सब्जियां दुकान है ना उकरे है और अभी के डेट में बढ़िया लाखों महीना कमा रहा है। ये मिल गया ठेला मिल गया जगह लगाने के लिए तो बहुत सही बात है, ठीक है अच्छा खासा कमा ले रहा है। जब यहाँ से हज जाने लगते हैं लेकिन इसी हज हाउस से ही निकलते हैं लोग, जहाज पकड़ते हैं हेलीकॉप्टर देख। हाँ बोलिए, खर्चा भी है। ये हज हाउस है, यहीं से जाता है हज करने सब। हाँ खर्चा भी है। ये हज हाउस है, यहीं से जाता है हज करने सब। देखिए डोडो रीवा किस तरह से करी। डोडो रीवा कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। डोडो रीवा तो बहुत ज़्यादा मस्ती हो रहा है क्योंकि ये लोग रांची आई है। देखिए रीवा क्या क्या ली है। अरे बाबा इधर गाड़ी से खिड़की से बाहर निकल जाइएगा, गेट है गाड़ी का, गाड़ी का गेट है। ये जीवा को देखिए, जीवा को देखिए, अरे अरे जीवा को देखिए। ओहो हो क्या हुआ बेटा, मजा आ रहा है। जोर से चिल्ला के लड़की भेज दे। तो फाइनली अब हम लोग रांची से निकलने वाले हैं घर के लिए। फाइनली हम लोग अब रांची से निकल चुके हैं हम लोग का। देखिए रीवा को, रीवा भी रो रही थी। रीवा खाना खाए आप? क्या खाया रीवा? क्या क्या खाएगा? पीजू पीजू नहीं होता बेटा, पिज्जा होता पिज्जा। देखिए हमारे सामने हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। आपका ये रोड आपको
रांची एयरपोर्ट के लिए जाता है बिरसा मुंडा। देखिए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए जाता है। ये देखिए हमारे हनुमान जी कृष्ण भगवान का मंदिर, यहाँ भोग लगता है और ये शनिदेव महाराज का मंदिर है। और ये आपको इस रोड, ये रोड आपको रांची एयरपोर्ट की ओर ले जाएगा। देखिए जम्मू का, और ये हमारे पीछे का नजारा देख सकते हैं अभी जस्ट। क्या हो गया रिवा, ए जीवा, क्या हो गया जीवा? आज हमारे पूरा फुल साथ में रात आ गई काफी हरासमेंट हो चुका है। हल्ला कर रही है गाड़ी में बैठ के, गाड़ी का खूब मजा ले रही है। हमारे पीछे शॉप दुकान है। रात के 8:10 हो चुका है और हम लोग अभी रांची से हनुमान जी के लिए निकले हैं। और सब लोग दिन में घूमते, हम लोग रात में घूम रहे हैं, कहीं मज़ा आ रहा है रखे अलग। और हनुमान जी हम लोग 9 बजे के आसपास, 8:30 के आसपास पहुँचे। इसके बाद हम लोग फिर वहाँ पे खाना वाना खाएंगे, उसके बाद वहाँ से फिर निकलेंगे घर के लिए। चलिएगा घूमिएगा का अभी ना, घुमा देंगे आप लोग। देख लीजिए आज सबके बिना टिकट के घुमा दीजिए चिड़ियाघर। आज हम लोग चिड़ियाघर घूमने जा रहे हैं रात को, बिना टिकट का घूमेंगे चिड़ियाघर। गेट में जाइए, घूम लिया चिड़ियाघर। देखिए रीवा सो गई है क्योंकि आज सारा दिन थक गई। हम स्कूल से 2 बजे आए, 2 बजे के बाद हम लोग रांची के लिए निकले हैं। और रांची में कुछ काम था, रांची से काम करने के बाद हम लोग को वहीं से 7 बज गया। रात के 9:30 बज चुके हैं और हम लोग मधुबन अभी पहुंचे हुए हैं, मधुबन बिहार। तो देखिए हमारे पीछे गाड़ी का लाइट किस तरह से हो रहा है। देखिए डोडो रीवा और एक डोडो रीवा के मामा है। देखिए लोग कैसे किस तरह से मस्ती कर रही है ये मधुबन होटल में। तो इन लोगों को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए वो डस्टबिन कोई आदमी जैसा है उसको मार रही है जाके रीवा। हम डोडोरी हुआ को इन लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। देखिए किस तरह से बदमाशी कर रही है लोग। डोडो आ गई बेटा, देखिए डोडो किस तरह से दौड़ रही है। और हमारी अभी एक छोटी वाली जीवा सो गई है। रीता कहाँ है? कहाँ है रीता? देखिए जीवा सो गई है। जीवा देखिए बेटा इधर इधर, ये जीवा, ये गंदू बच्ची है का। देखिए ये पेड़ को आप देखिए कितना सुंदर है और काफ़ी मुझे अच्छा लगा ये पेड़। और ये मधुबन टूरिस्ट ढाबा है। तो चलिए अब सब लोग, हम लोग उतर गए हैं। आ जाइए बाबू, पीछे से आ जाइए।
तो हम लोग देखिए डोडो चलिए आइए देखिए हमारे पीछे का नजारा। देखिए ये डोडो रीवा का मस्ती और ये लोग गेम खेल रही है जो काफी अच्छा लग रहा है इन लोगों को। डोडो इसमें आइए। रीवा कहाँ गए? अरे रीवा रीवा इसमें इसमें स्लिप कीजिए उसमें जाके। देखिए हमारे पीछे किस तरह से डोडो और रीवा मस्ती कर रही है। ये मधुबन का एक तरह से मजाक कर रही है। कहा हुआ बेटा? नाक बना दीजिए तो मुंह बना दीजिए तो मुंह बना दीजिए रीवा। नहीं होगा बेटा। देखिए जीवा काफी डर रही है। आ जा देखिए रीवा को किस तरह से मजा आ रहा है इस जगह को। देखिए पीछे मेरे जीवा कैसे खेल रही है और ये देखिए मेरे पीछे का मधुबन का होटल का सीन है। ये काफ़ी सुंदर होटल है और एक्सेल बहुत ही शानदार होटल बनाया गया है मधुबन का। ये पीछे का आप नज़ारा देखिए काफ़ी सुंदर और डोडो हर गेम को ट्राई कर रही है खेलने का कोशिश कर रही है। पीछे का नज़ारा देखिए ये बहुत ही शानदार है। अरे होटल भी काफ़ी बेहतर है काफ़ी सुंदर है। सो इस जगह का दृश्य काफ़ी अद्भुत है आप लाजवाब है। मेरे पीछे का एक सीन देखिए काफ़ी बड़ा होटल है और ये उर्मांझी का मधुबन है और यहाँ पे गांव के मेरे भैया थे इसी होटल में काम करते हैं और देखिए ये जगह काफ़ी अच्छा है लोकेशन और बहुत ही प्यारा जगह है। और हमारे साथ देखिए आए हुए हैं सब लोग। मेरे फादर हैं ये मेरे पीछे, ये भी मेरे पापा हैं और ये मेरे माता जी लोग हैं सासू माँ लोग सब डोडो रीवा जी। देखिए किस तरह से बैठे हुए जीवा आप जीवा की मम्मी हमारे पीछे खड़ी है। देखिए फाइनली हम लोग अब यहाँ से खाया हुआ हो गया और हम लोग यहाँ सब निकल रहे हैं घर के लिए। तो आज अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और काफ़ी अच्छा जगह है, सुंदर जगह है, काफ़ी प्यारा जगह है। देखिए हमारे पीछे का नज़ारा।